नमस्कार। आप लोग आ गए, मैं भी हाजिर आप लोगों के लिए। चलिए आज मैं आपको दागाड़ा जो नेचर कैंप में गया था उसके थर्ड पार्ट के बारे में थोड़ा बहुत बात करूंगा, हल्का फुल्का। तो थर्ड पार्ट में क्या है क्या नहीं है, एक्चुअली क्या थर्ड पार्ट में मैं बता दूं। थर्ड पार्ट में आपको जो कैंप है, कैंप का जो रात का नजारा है वो थोड़ा बहुत दिखने को मिलेगा। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वहां लाइटिंग थी, जनरेटर चल रहा था। मैंने जनरेटर क्यों चल रहा था, मैंने कहा ना कि भाई ये नया एकदम बना हुआ है कैंप, एकदम नया है और फॉरेस्ट लैंड में है तो यहाँ बिजली की थोड़ी दिक्कत थी। और सबसे बड़ी बात, उस रात को मैं आगे निकल कर थोड़ा सा गया था एक मोड़ पर जहाँ एक पान की गुमटी है, वहाँ पर लोग शाम को बैठते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो वहाँ का भी कुछ दृश्य, कुछ नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ये जो थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट आपका कैंप के रात का व्यू और जो मैं गया था उसका व्यू है, ये आपको थर्ड पार्ट में मिलेगा। तो चलिए आइए चलते हैं, थर्ड पार्ट में जाते हैं। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, उम्मीद तो मेरी यही रहेगी कि अच्छा लगे आप लोगों को। तो थर्ड पार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि थर्ड पार्ट में कैंप कैसा लग रहा था, आसपास का माहौल कैसा लग रहा था और वो जो मैं जहाँ पे समझ रहे जो गांव वालों के साथ मैं जो बातचीत कर रहा था वो थोड़ा सा कैसा लगा। आइए चलिए चलते हैं। अभी तक तो आपने दिन का नज़ारा देखा इस कैंप का, अब थोड़ा सा रात का नज़ारा देख लो। जैसे ही इस कैंप के मेन गेट पे लाइट लगी हुई है और यहाँ पे जैसे मैं ये दिखा दूँ आपको, ये लाइट लगी हुई है और यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, जो अभी गेस्ट लोग आए हुए हैं उनकी गाड़ियाँ हैं, जनरेटर चल रहा है। बट आजू बाजू पूरा घनघोर अंधेरा है, पीछे आप देखो कुछ देख नहीं सकते। एक वो लाइट उधर किनारे है और इधर मैं आगे की ओर जा रहा हूँ, इधर मैं जा रहा हूँ, आप देखो देख सकते हो, इधर मैं जा रहा हूँ, इधर एक वो लाइट है और ऊपर जो लाइट देख रहे हो आप ये चंदा मामा है। ये जो ऊपर आप जो ये लाइट देख रहे हो ये चंदा मामा है, हाँ ये जो मेरे सर के ऊपर लाइट है चंदा मामा है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ अंधेरे का नज़ारा यहाँ पे। ऐसा इसलिए है, और आप लोग ये सोचोगे कि भैया अंधेरा घनघोर अंधेरा क्यों है, यहाँ पे लाइट क्यों नहीं है, ये सन 72 वाले जैसे पहले होता था ना कि एक टिमटिमाता रहता था सड़क पे एक लाइट, वैसा क्यों है। तो मैं बता दूँ ये सी बीच है, एकदम सी बीच का किनारा है और ये जितना एरिया है सब फॉरेस्ट का एरिया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया है, तो यहाँ पे आप उतना डेवलप कर नहीं सकते। जनरेटर चल रहा है, जनरेटर की आवाज़ में आप लोगों को बहुत कम सुनाई दे रहा होगा, बट मैं ये बता दूँ शाम का जो माहौल है कुछ ऐसा है। ये डॉर्मेटरी है, ये खाने पीने के लिए बैठने का जगह है और इधर यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये सब टेंट लगे हुए हैं, उधर सामने ये कॉटेज है, माहौल कुछ ऐसा है। ये बोन फायर के लिए है, ये बंदा ले जा रहा है वहाँ जो गेस्ट आए हुए हैं, ये देखो ये चाय की चुस्की लेता हुआ मैं, वेज पकौड़ा।
और यहाँ पर एक लाइट इधर है, तो मैं उस उतनी दूरी तक जाऊंगा। सुनसान चारों तरफ आप जो देख रहे हो पूरा सुनसान इलाका है, सुनसान। और इधर समुद्र की आवाज अच्छा लग रहा है। और जो पेड़ों की जो महक है, ये जो पौधों की जो महक है, जो भी पौधे हैं, जैसे भी पौधे हैं, ये जो महक है इनकी, ये एक महक आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, सच बताओ तो। क्योंकि शहर के माहौल से एकदम घबरा गया था मैं, वरना क्यों 200-250 किलोमीटर दूर शहर से एक स्टेट पार करके, मैं बंगाल पार करके मैं उड़ीसा क्यों आता। ये गांव का एक चौमुहाना है बीच के किनारे, ये इधर देखो एक ये रास्ता है, इधर एक ये रास्ता है, इधर एक ये रास्ता है, और ये जो कैंप वाला रास्ता इधर है। तो यहाँ पे गांव के जो लोग हैं काम करने के बाद, देखो आप यहाँ पे खेल रहे हैं, और ये एक दुकान है, यहाँ पे पान की गुमटी है, लोग यहाँ पान ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। तो ये जनाब बैठे बैठे सुपारी काट रहे हैं, ये देखो। सरौता, इसको जैसे हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा है कि स से सरौता होता है, ये वही चीज है। अभी दिखने को मिलता नहीं है, इनके हाथ में जो है इसे सरौता कहते हैं, ये देखो आप उससे सुपारी कैसे काट रहे हैं। ये देखो सरौता पहले था, पहले लोग यूज करते थे, लेकिन अब यूज नहीं करते, बट यहाँ पर उड़ीसा में इन इस गांव पे लोग सरौता यूज करते हैं, पान के दुकान वाले सरौता यूज करते हैं। दिस वन बीच में रखा जाता है सुपारी को, और दोनों तरफ से प्रेस किया जाता है, सुपारी कटता रहता है, और काटने की भी टेक्निक है इनके पास, मैंने बचपन में देखा था सरौता क्या होता है। मेरे वहाँ, मैं जब यूपी में रहता था, पान के दुकानदार जो थे भगत काका, वो सरौता से, इसी सरौता से सुपारी काटते थे। इसके बाद मैं बुढ़ा हो गया हूँ, दिखने को नहीं मिला, ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे ये देखने को मिला मेरे को। ये यहाँ पे ये जो काट रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम, ये जो काट रहे हैं फर्स्ट टाइम मेरे को दिखने को मिला कि हाँ भाई ये सरौता होता है और इसे काटा जाता। और ताज्जुब वाली बात है, मुझे याद भी आ गया कि स से सरौता हम लोगों ने जो पढ़ा था, वो जो कखगा वाली जो किताब होती थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था स से सरौता, छोटा स से सरौता। तो ये वही चीज़ है, अच्छा लगा कि अपनी जो पुरानी धरोहर है, पुरानी जो चीज़ें हैं आज भी लोग यूज़ करते हैं, ये अच्छा लगा। हम मॉडर्न होते जा रहे हैं बट भूलते जा रहे हैं, अपनी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। बट मैंने जो यहाँ पे देखा, मेरे आसपास सब गांव वाले खड़े हैं, वो भी जानते हैं कि आजकल कहीं नहीं दिखने को मिलता, शहरों में तो एकदम नहीं मिलता, मैं आपको गारंटी के साथ बता दूँ। वो अगर एक दुकान में मिल गया कहीं पे आपको किसी किनारे मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज नहीं मिलेगा। चिकन पकौड़ा भी मेरे को सर्व किया गया।